राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन हेड ऑफिस कोटा के संरक्षण में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक्सीलेंसी अवार्ड सेरेमनी का आयोजन 9 फरवरी को होने जा रहा है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के RGCSM के सेंटर मैनेजर उपस्थित रहेंगे। वहीं कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले केंद्र हैं उनको भी हेड ऑफिस द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आइए हम जानते हैं और क्या क्या होने वाला है। राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा द्वारा एक्सीलेंसी अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 9 फरवरी को होगा। इस कार्यक्रम में RGCSM के सभी सेंटर डायरेक्टर भाग लेंगे। प्रत्येक वर्ष राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले सभी सेंटर डायरेक्टरों को अवार्ड सेरेमनी के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। लिहाजा इस वर्ष का कार्यक्रम कुछ अलग ही होने वाला है, क्योंकि संस्था के डायरेक्टर KP सिंह द्वारा इस कार्यक्रम को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित करवाया जा रहा है। इसके अलावा वहीं संस्था द्वारा राष्ट्रपति भवन और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के रेजिडेंस पर मुलाकात कराई जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति भवन तथा अन्य जगहों पर भी विजिट कराया जाएगा। इसको लेकर संस्था के हेड ने खबर एक्सपर्ट को जानकारी देते हुए क्या कहा है, सुनिएगा। फरवरी 2023 को राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन का एनुअल मीट हम लोग करने जा रहे हैं। इस एनुअल मीट एक्सीलेंस अवार्ड एलमन मीट जो सेरेमनी हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें कंप्यूटर शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, गुजरात, राजस्थान, इन राज्यों के जितने भी कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र और स्किल डेवलपमेंट के जो भी केंद्र थे जिन्होंने बहुत शानदार काम किया है, उन सभी का सम्मान करने के उद्देश्य से, उनका मोटिवेट करने के उद्देश्य से हम 9 फरवरी 2023 को शाम को 6 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक शानदार अवार्ड सेरेमनी का आयोजित करने वाले हैं। इस अवार्ड सेरेमनी में कई जाने माने नेता, जाने मानी हस्तियां और प्रसिद्ध लंगा बंधु, राजस्थानी ट्रेडिशनल फोक सिंगर्स के द्वारा एक शानदार एक आयोजन किया गया है। इस आयोजन में लगभग 150 से 200 केंद्र निदेशक और सम्मानित प्रतिनिधि इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं, और उन सभी का, जितने भी लोग वहां पर आने वाले हैं, और मैं ये हमने राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन ने एक प्रयास किया है कि उन जितने भी आगंतुक हमारे अतिथि हैं, लगभग 150 से 200 लोग, उन सभी को हमारे देश की संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय को भी दिखाने का हमने व्यवस्था की है। ये सारी व्यवस्था हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम जी बिरला के प्रयासों से, उनकी प्रेरणा से हमने ये किया है। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक देश के नागरिक को, हमारे देश की संसद को जानना, पहचानना और सीखना बहुत जरूरी है, ताकि उनको पता रहे कि हमारे देश के जिन नेताओं को आपने चुना है, जिन लोगों को आपने बनाया है, वो हमारे देश की संसद में किस तरह से कार्य करते हैं। तो मैं इस चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी जो इनवाइटीज है आप आए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन कोटा द्वारा लीडरशिप एक्सीलेंसी अवार्ड सेरेमनी के लिए यूपी के सभी सेंटर डायरेक्टरों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, और वो सभी संस्था के हेड KP सिंह जी का आभार प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ इस अवार्ड सेरेमनी में तमाम सारे संस्थाओं के डायरेक्टर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
लीडरशिप एक्सीलेंसी अवार्ड सेरेमनी के चलते उत्तर प्रदेश सहित तमाम सेंटर डायरेक्टर संस्था के हेड केपी सिंह सर को धन्यवाद देते हुए तथा उनका आभार प्रकट करते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं, कार्यक्रम को अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करेंगे। मैं निर्मल कुमार चौधरी, यूपी 233 सेंटर डायरेक्टर। हमारी जो मीटिंग होने वाली है 9-10 तारीख में दिल्ली में, श्री केपी सिंह सर ने जो मीटिंग रखी है उस मीटिंग के लिए हम सब लोग काफ़ी उत्साहित हैं। राजीव गांधी कंप्यूटर संस्थान ने पिछले कई वर्षों से कंप्यूटर क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, एक क्रांति लाए हैं। खासकर गरीब बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है इस मिशन के द्वारा। करीब 3,000 से सेंटर ज़्यादा हैं पूरे भारत में और लाखों बच्चों को अब तक शिक्षा और रोजगार मिल चुका है। वहीं सेंटर डायरेक्टरों का कहना है कि हेड ऑफिस द्वारा यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे ढंग से प्रतिवर्ष किया जाता है। इस अवार्ड सेरेमनी के लिए हम लोगों में काफी उत्साह रहता है। हम सब लोग एक्सीलेंसी अवार्ड सेरेमनी में बेसब्री से पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हरदेव सिंह, HR 37, हेड ऑफिस की तरफ से इस बार अवार्ड फंक्शन दिल्ली में जो प्रोग्राम सेट किया गया है वह सराहनीय योग्य है। लगातार 27 वर्षों की कामयाबी का यह रिजल्ट है जो हम इस बार दिल्ली के इतने बड़े इवेंट का पार्ट बनने जा रहे हैं। सभी साथी इस प्रोग्राम के लिए तारीफ के काबिल हैं और उम्मीद करूंगा हेड ऑफिस की तरफ से किया गया यह ऑर्गेनाइज प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा और हेड ऑफिस को दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं इस प्रोग्राम के लिए और जितने साथी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। HR 96 थाना छत्तर यमुनानगर से, और मैं केपी सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो उन्होंने मीटिंग दिल्ली में ऑर्गेनाइज की है और जो भी सेंटर डायरेक्टर इसमें शामिल किए हैं। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले विशेष तौर पर आगरा से सेंटर डायरेक्टर अमरदीप सिंह, डिवाई से अनुभव गुप्ता और टुंडला से अमिता जैन और पीलीभीत से उमेश अग्रवाल और सभी संस्था के डायरेक्टरों ने हेड ऑफिस कोटा का धन्यवाद प्रकट किया है। नमस्कार दोस्तों, इस बार की एनुअल मीटिंग होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, 9-10 तारीख को दिल्ली में। इसके लिए अपने चेयरमैन साहब श्री केपी सिंह जी, डायरेक्टर साहब श्री अच्छा जी और अपने रीजनल डायरेक्टर साहब पीपी गुप्ता जी का बहुत आभार, इतना अच्छा प्रोग्राम सेट किया। छात्रों मित्रों, मैं अनुभव गुप्ता, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन दवाई से। दरअसल केंद्रीय कार्यालय द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए एक लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कई संस्थानों के साथ मुझे भी बुलंदशहर जिले के डिवाई क्षेत्र से अपने आप को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। पूरे भारत में 3,000 केंद्रों के साथ संचालित राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन के इस एक्सीलेंस लीडरशिप अवार्ड में मुझे देश के कई संस्थानों के साथ उनके केंद्र निदेशकों के साथ मिलने का बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा और अवार्ड जो मिलने वाला है देश की बहुत बड़ी चर्चित हस्तियों के साथ उनके सानिध्य में ये अवार्ड मिलेगा और बड़ा गर्व होता है। सर पवित्र जैन और मैं राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन टुंडला से। अभी जैसे कि एनुअल मीट का जो अनाउंसमेंट हेड ऑफिस कोटा से हुआ है उसको लेकर मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसमें मैं भी नॉमिनेट हुई हूँ और ये एनुअल मीट कोरोना के बाद अब हो रही है तो हम लोग काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं है। कल जो प्रोग्राम का शेड्यूल भेजा गया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया है। होप सो आप सभी को भी पसंद आया होगा। इस पूरे शेड्यूल के लिए मैं सिंह सर का और गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और अपने सभी RGCS फैमिली के जितने भी सेंटर डायरेक्टर्स इस मीटिंग में आ रहे हैं उन सभी को वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं एनुअल मीट पे। बाय बाय।
सभी को राम राम। मैं उमेश अग्रवाल, राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, यूपी 1696 सेंटर डायरेक्टर। प्रधान कार्यालय द्वारा जो अवार्ड सेरेमनी हो रही है, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं तहे दिल से डॉक्टर के पी सिंह, जो हमारे चेयरमैन सर हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो उन्होंने इतने कोविड काल के बाद हम लोगों को एक मीटिंग रखी गई है जो अवार्ड सेरेमनी के रूप में है। इस बार से अवार्ड सेरेमनी के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम कॉन्ट्रीब्यूशन क्लब न्यू दिल्ली में होने वाला है और हम लोग पूरी तैयारी पूरे जोश के साथ हैं और अपना 100% पूरे जोश के साथ यहाँ पर आज तक दिया है और आगे भी कुछ में देंगे। टूटी हुई कश्ती का हुनर देख रहे हैं, साहिल पे खड़े लोग इधर देख रहे हैं और तुम पैरों के छालों को फकत देख रहे हो, हम और भी आगे का सफर देख रहे हैं। मैं मोहम्मद जावेद सिद्दीकी, यूपी 035 प्रयागराज, और बेसब्री से इंतजार है 9 और 10 तारीख को होने वाली राजधानी में एनुअल फंक्शन जो हो रही है केपी सर के द्वारा, और पूरे भारत की जो भी आरजीएसएसएम के सेंटर हैं सबका समागम होने वाला है। तो दिल से आभार है केपी सर को और बहुत बेसब्री से इंतजार है उस पल का जो जिंदगी का एक खूबसूरत लम्हा और यादगार लम्हा को हम लोग सजो के दिल्ली से लेकर आएंगे और पहले से भी और कई गुना उत्साह से हम लोग अपनी संस्था को और आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं 9 और 10 तारीख को राजधानी दिल्ली में, तब तक के लिए जय। आरजीएसएम परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद व बधाई, और पूरी तैयारी हो चुकी है और मैं भी अभी दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, साथ में हमारी पत्नी भी हैं और हम सफ़र ट्रेन से अपने हम सफ़र के साथ मैं यात्रा करने वाला हूँ, आप लोगों को बता दूँ। और जो कार्यक्रम रखा गया है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि डायरेक्टर सर ने और मिल करके अच्छे सर के साथ इतना बढ़िया रणनीति बनाई और रणनीति कामयाब भी रही, एक अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो गया और हम लोग बहुत जल्द दिल्ली में मिलते हैं पहुंच के। और अच्छे सर और केपी सर के लिए एक जोरदार शेर बोल दूं कि काश शहर में खुशियों की कोई दुकान होती और वहां हमारी पहचान होती तो खरीद लाते दोनों के लिए हम ढेर सारी खुशियां, भले ही उसकी कीमत हमारी जान होती। इसी के साथ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक आइए और अपनी यात्रा का शुभारम्भ कीजिए और हम लोग दिल्ली में मिलते हैं जल्द।